टू माई चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि ऐसी फीलिंग्स, उनके ऐसे इमोशंस जो उन्होंने आपको कभी बताए नहीं, कभी आपसे कन्फेस नहीं किए। ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ओके, और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं या दूसरी तीसरी बार भी आए हैं, लेकिन आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं बिना कोई समय व्यर्थ किए। ओके, उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं, ओके, ऐसी क्या उनके इमोशंस हैं, ऐसी क्या उनकी फीलिंग्स हैं जो उन्होंने आपको कभी कन्फेस नहीं किया। ओके, द मून कार्ड, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, ये कार्ड आजकल कुछ ज्यादा ही मैंने रीडिंग्स में आता हुआ देखा है। सॉरी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, One more. Wow, Sun card. Sun card last में आया है, और starting में Moon card भी आया था। Wow, ये बहुत ही अच्छी बात रही। Balance. Okay. Give me a moment. ओके, आई होप ये कार्ड्स आपको विजिबल हैं। तो उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? पहली बार तो व्यूअर, सन का कार्ड भी है यहाँ, मून का कार्ड भी है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत इमोशनल भी महसूस करते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये अपने दिमाग की भी सुनते हैं, यानी कि बहुत ही बैलेंस्ड थिंकिंग है इनकी आपको लेकर। और आपको लेकर पहली चीज़ जो दिखती है वो यही है कि ये बहुत इमोशनल हैं आपके बारे में। जब बात आपकी आए, तो बात इनकी फीलिंग्स की होती है, और ये आपको लेकर काफ़ी सीरियस, जेन्युइन और इंटेंस इमोशंस रखते हैं। लेकिन मूड हो सकता है उनका मूड काफ़ी रोमांटिक हो, लेकिन जहाँ बात आती है मून की, तो मून जितना ही ये चीज़ शो करता है, इमोशंस को शो करता है, फीलिंग्स को शो करता है, तो वो आपके लिए फील करते हैं, उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं। लेकिन मून कहीं ना कहीं मुझे मिस्ट्री और हिडन इमोशंस की बात करता है, यानी ऐसा लगता है कि ये फील तो करते हैं आपके लिए, लेकिन इनके इमोशंस हिडन हैं। और वही हमारे रीडिंग का प्रश्न है कि अनकन्फेस फीलिंग्स क्या हैं। तो व्यूवर्स, उन्होंने कभी आपको कन्फेस नहीं किया है, हमेशा हाइड करके रखा है अपने इमोशंस को, कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा फील करते हैं। आपकी की हुई छोटी सी बात उन्हें खुश भी कर सकती है, और आपका किया हुआ छोटा सा एक्शन, छोटा सा जेस्चर उन्हें दुखी भी कर सकता है, हर्ट भी कर सकता है। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ओके, और आपके लिए काफ़ी इमोशनल हैं। जब बात आपकी आती है, तो इनकी प्रैक्टिकलिटी काम करना बंद कर देती है, ये दिमाग से सोच नहीं पाते हैं, और जब आपके बारे में सोचना हो, तो ये सिर्फ दिल से सोचते हैं। तो ये आपको लेकर काफ़ी इमोशनल ऑलरेडी हैं व्यूअर्स, और ये आपसे कभी कहते नहीं हैं। इनके मन में आपके लिए इंटेंस इमोशंस हैं, इंटेंस फीलिंग्स हैं,
लेकिन ये आपसे कन्फेस नहीं करते हैं। ओके, मुझे इस पर्सन में ऐसा दिखता है कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है बट स्टबर्न हो सकते हैं, थोड़े से जिद्दी किस्म के लगते हैं, थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं कि अगर सोच लिया है कि ठीक है सामने से मैं बात नहीं करूं या नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, या माफ़ी मांगनी है तो मैं नहीं मांगूंगा या मैं नहीं मांगूंगी, कन्फेस करना है तो मैं पहले नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, तो कुछ जिद पकड़ के अगर बैठ गए हैं किसी चीज़ को लेकर, इन्होंने हट बना लिया है, जिद कर ली है, तो वो उस जिद को पूरा कर रहे हैं बस, चाहे उनको आपसे दूर होके दुख कितना भी हो रहा हो, तकलीफ कितनी भी हो रही हो। ओके, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा जिद्दी और स्टबर्न बिहेव कर रहे हैं ये, लेकिन पैशनेट है ये आपके लिए। दिस पर्सन इज लुकिंग वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। ये आपके लुक्स को लेकर भी काफी अट्रैक्टेड हैं, आपके लुक्स को लेकर काफी अट्रैक्टेड हैं, साथ ही साथ वो आपको काफी चार्मिंग समझते हैं। ओके, आपके एक्सप्रेशंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी उन्हें चार्मिंग लगती है, आपका ईच एंड एवरी लुक उन्हें बहुत चार्मिंग लगता है, तो आपका लुक उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है बट उनकी जिद से ज़्यादा नहीं, तो वो अपनी जिद को प्रायोरिटी देते हुए अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बता नहीं रहे हैं कि आपकी तरफ कितने अट्रैक्टेड हैं। ओके, ये आपको बता नहीं रहे हैं आपके लिए कितना पैशनेट फील करते हैं, और साथ ही साथ ये चीज़ भी कभी मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके सामने कि ये बहुत सारी चीज़ें जिद में करते हैं, जिद में कर रहे थे या जिद में करते हैं। ओके, आपको लेकर इन्हें बहुत गुस्सा भी आता है व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है, फायर मुझे बहुत दिख रहा है इस पर्सन में, इन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो भी ये दिखा नहीं रहे हैं, किसी बात से नाराज़ हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, तो वो भी चीज़ छुपा लेते हैं अंदर, शो नहीं करते, दैट्स व्हाट आई कैन सी। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये अपनी लाइफ का सेटिस्फैक्शन आपके साथ देखते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हो, बहुत इंडिपेंडेंट रहते हो, केयर फ्री स्ट्रेस फ्री रहते हो, और काफ़ी स्टेबल और कम्प्लीट और सेटिस्फाइड लाइफ जीते हो, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान आपकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, क्योंकि आप उनसे दूर भी दिखाई देते हो तो भी बहुत खुश दिखाई देते हो, तो ये चीज़ उन्हें थोड़ा क्यूरियस कर देती है कि आप तो इनके बिना इतने खुश हो, तो कहीं ना कहीं मन ही मन उनका ध्यान आपकी तरफ वापस चला जाता है, तो वो अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और अपनी लाइफ में लक आपके साथ देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में रहेंगे तो लक उनके फेवर में रहेगा, भाग्य उनके फेवर में रहेगा, और अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो ये ऐसे ही अपनी जिद में बैठे रहेंगे और फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, गुस्सा आता रहेगा, तो ये सब बातें छुपाते हैं वो आपसे कि वो आपको अपना लक समझते हैं, आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, दे विल नेवर कन्फेस दैट, कभी कन्फेस नहीं करेंगे इस चीज़ को कि आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, रीजंस अगर आप जानना चाहेंगे तो ईगो, यस, जिद करना या जिद पर अड़े रहना भी इज अ पार्ट ऑफ ईगो ऑल्सो, तो हाँ कह सकते हैं कि ईगो की वजह से ही कन्फेस नहीं करते हैं। एक रीडिंग हम ये भी करेंगे कि उनका घमंड कब टूटेगा, उनकी जिद कब टूटेगी, ये रीडिंग करेंगे हम। ओके, क्योंकि मुझे इससे आइडिया मिला है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आपको खुश देखकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि आप इनके बिना भी कितने खुश रह रहे हो, तो इन्हें आप अपनी लाइफ में वापस चाहिए, लेकिन वापस चाहने के लिए ये आपसे कन्फेस नहीं कर सकते, आपको सॉरी नहीं कह सकते, अपनी फीलिंग्स भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सो दे जस्ट चूज टू बी क्वाइट। ओके, दे चूज टू बी क्वाइट। यहाँ पर सन का कार्ड भी है व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ की खुशियों को, अपने लाइफ के जॉय को, हैप्पीनेस को आपसे कनेक्ट करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप पास होते हैं तो जीवन में खुशी रहती है, गुड न्यूज़ आती रहती है, चाहे इनका करियर हो या इनकी पर्सनल लाइफ हो या यू नो इंडिविजुअली भी ये ग्रो करते रहते हैं। जब आप इनके साथ रहते हो इन्हें एक पॉजिटिव वाइब मिलती रहती है, एक रिलैक्सेशन या एक अननोटिस्ड हीलिंग उनको मिलती रहती है, यानी कि आप उनसे कितना भी दूर हो उनको फिर भी आपके आपके थ्रू एक हीलिंग मिलती रहती है, क्योंकि ये थोड़ी स्टबर्न सोल लग रहे हैं, थोड़ी सी जिद्दी, इमोशनली यू नो
रिजर्व्ड ऐसे पर्सन लग रहे हैं, तो इनको आपसे ऊर्जा मिलती है, आपसे एनर्जी मिलती है, आप इनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, ऐसा दिखता है। कि आप अगर ये सैड हैं, डिप्रेस हैं, तो आपका चेहरा देखेंगे तो खिल उठेंगे, बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ऐसी इनकी भावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। या गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है, ये इनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं। साथ ही साथ यह मून एंड सन का कार्ड है, तो बैलेंस की बात है व्यूअर्स, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा इनको अपने इमोशंस और अपने रैशनैलिटी में। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रैशनल होके सोचेंगे तो भी इन्हें ही तकलीफ होगी, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं तो उससे भी इन्हें हर्ट हो रहा है। सेम गोज फॉर यू, आपको भी प्रैक्टिकलिटी का और इमोशंस का बैलेंस रखना होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा इस रिश्ते में, और बहुत ज़्यादा दिमाग से चलना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, ठीक है। सभी जोडियक साइंस यहाँ कवर हो रहे हैं, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, एवरी साइन इज कवर्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप व्यूअर्स अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, चाहे फाइनेंशियली करो, चाहे कैसे भी, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। वहीं ये स्टक हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, ईगो में स्टक हैं, चाहे अपनी जिद में स्टक हैं, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है। आप ये सोचते हो कि भाई मैं तो अपनी लाइफ में खुश हूँ, अगर किसी को मेरे लिए फीलिंग्स हैं या किसी को मेरे प्रति प्यार फील होता है तो वो आके कन्फेस करे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो आप भी मुझे यहाँ पर अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, क्योंकि यू नो कि आप में वो बात है, आप में वो चार्म है, आप में वो चीज़ें हैं जिस वजह से आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यू नो दैट समवेयर, यू नो वॉट यू आर डूइंग, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और ये माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, जिसमें ये विन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो व्यूअर्स। आपसे जो माइंड गेम खेलेगा वो खुद ही उस गेम में स्टक हो जाएगा, और ऐसा इनके साथ हुआ है। इसमें मैसेज है लव योर सेल्फ फर्स्ट, और जो मैंने बात कही थी वही कार्ड पॉप आउट हो गया। मैसेज दिया हुआ है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रोमांटिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और वही बात मैंने ये कार्ड अनफोल्ड करने से पहले आपसे अभी अभी कही थी कि आप व्यूअर्स सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, पता है आपको कि आप किसी को चेज नहीं कर सकते, और आप में वो खूबियाँ वो क्वालिटीज़ हैं कि सामने वाला ही व्यक्ति आपको आपके पास अपने आप आके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे। तो यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है, और आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप किस हद तक किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी तो फिर आप रेडी नहीं हैं उस चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए। तो जो बात मैंने कही थी वो यहाँ क्लैरिफाई हुई है कम्प्लीटली, कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, और कार्ड ने भी ये कह दिया है, एंजल्स ने भी ये गाइड कर दिया है। यू लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप खुद से पहले प्यार करते हैं, और इस बात को जान चुके हैं बहुत पहले, या रिसेंटली पता लगा होगा कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आपको हमेशा यही लगता रहेगा नो बडी लव्स मी, नो बडी लव्स मी। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करेंगे ग्रेजुअली यू विल नोटिस कि लोग भी आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये कार्ड पॉप आउट हुआ है आउट ऑफ टेबल, वेडिंग। ओके व्यूअर्स, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हो सकते हैं। अगर नहीं है तो ये बात भी है कि व्यूअर्स सच में आप इस पर्सन के लिए सीरियस होना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के नहीं। यानी कि आप इनके लिए सीरियस होना चाहते हैं, आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स हैं, आप भी चाहते हैं कि अच्छा होगा अगर शादी हो जाए आपकी, यू विल फील हैप्पी। लेकिन इस चीज़ के लिए या इस शादी के लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ओके, और ऐसा भी दिखता है कि आपके पर्सन का इंटेंशन भी आपसे शादी करने का है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी इज्जत सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप तो मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट ये थोड़ा इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, या मैं कहूँगी इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, हैंडल तो क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। आई नीड वन मोर कार्ड,
तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में आप बने रहिए, ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और अगर आपका शादी करने का भी इंटेंशन है तो सही है इंटेंशन, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइजिंग योर रिस्पेक्ट। ओके, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, ये जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये कोई नया पर्सन है बहुत लोगों के लिए। आप इनसे सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कहीं, ऑनलाइन कहीं मिले हो सकते हैं। तो ये आप में से बहुत लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है जिसने आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को जनरेट किया है, आपको रोमांटिकली फील करने पर मजबूर कर दिया है, मजबूर नहीं तो आपको इतना अट्रैक्ट कर लिया है अपनी तरफ। तो ये कोई आप में से बहुत लोगों के लिए, लाइक फॉर 20-25% लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये कोई बहुत पुराना कोई पास्ट पर्सन नहीं है। ओके, तो ये कोई नया पर्सन है, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके भी चल रहे हैं। और इवन अगर ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ओके, तो यहाँ पर आपके अंदर एक न्यूनेस है, यानी आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है या चेंज कर लिया है, तो आप एक नए पर्सन की तरह इस व्यक्ति को दिखाई दे रहे हो। तभी शायद वो ये सोच रहे हैं कि अब तो आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप सेटिस्फाइड हो, इनके बिना आप खुश हो, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। ओके, हो सकता है आपके या इनके नाम में M आता हो, L ऑल्सो, आप दोनों में से किसी के नाम में L आ सकता है, N आ सकता है, जी आ सकता है, ओके, जी, ओ आ सकता है, सरनेम्स आर इंक्लूडेड, ओके, सरनेम्स में भी आ सकते हैं ये लेटर्स, एस ओ जी एन एल एम, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या उनके नाम में हो सकते हैं। कुछ लेटर्स जो मुझे चैनल हो रहे हैं वो है एच ए आर ई वी वाई, ये कुछ अक्षर हैं जो मुझे चैनल हुए हैं जो आपके आपके पर्सन के नाम में आ सकते हैं। आपके और आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, फरवरी, जून, अगस्त, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, आप दोनों में से किसी की भी। 10, 20, 31, 11, 21, 31, 9, 19, 29 and 10, 20, 30 I already told you, okay, 16, 6, 26, 3, 13, 23 and 7, 17, 27, तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। ओके, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स की, उनके अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या हैं, और आई होप इस रीडिंग ने आपको एक आइडिया दिया है और थोड़ी हेल्प की है, गाइड किया है। अगर थोड़ा भी गाइड किया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पर मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल।